हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो गाइस, रिसेंटली हम एक कोलकाता की ट्रिप में गए थे वेकेशन के लिए और हम वापस आ चुके हैं घर में दिल्ली। तो कोलकाता में हमने एक गली स्ट्रीट नाम की जगह पे ट्रैवल किया। तो गली स्ट्रीट के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी एक अच्छा पेट मार्केट है। मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब में गली स्ट्रीट से रिलेटेड, कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के डॉग ब्रीड्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के पेट्स मिलते हैं, रैबिट्स, बर्ड्स वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब में देखने के बाद मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि वहाँ पे गली स्ट्रीट में जाए और देखे कि वहाँ पे क्या क्या है। ऐसा एज अ डॉग लवर, एज अ एनिमल लवर, क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी वहाँ पे। सो गली स्ट्रीट जब हम गए थे, तो गली स्ट्रीट संडे को ओपन होता है, तो संडे के दिन हमने एक लाइव सेशन किया था, बट वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। सो हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं एक अलग से। तो गली स्ट्रीट के बारे में जितनी एक्सपेक्टेशंस में लेकर गया था कि काफ़ी अच्छे पेट्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे डॉग्स, बर्ड्स और जो भी एनिमल्स होते हैं देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें तो थी, बट सबसे बड़ी बात जो ये थी कि मुझे वहाँ पे जाके कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो एज अ एनिमल लवर मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने उस सभी चीज़ों के लिए वीडियोस बनाई है। तो गली स्ट्रीट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बर्ड्स अवेलेबल है, बर्ड्स यानी कि हर एक टाइप के बर्ड्स। हालांकि मुझे बर्ड्स के अलग अलग नाम तो नहीं पता, बट वहाँ पे लव बर्ड्स, पैरट्स, पिजन की अलग अलग क्वालिटी, और भी काफ़ी सारे टाइप के डक्स हो गए, कॉक हो गए, हेन हो गए, और बहुत से ऐसे बर्ड्स थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और वहाँ पे जाके पहली बार मुझे देखने को मिले। कुछ कुछ बर्ड्स तो ऐसे थे जो कि 10,000 तक की प्राइस वाले थे और उनको काफ़ी अच्छे से रखा गया था। वहाँ पे रैबिट्स भी थे, हैमस्टर्स भी थे, और ऑब्वियसली डॉग्स तो थे ही। बट वहाँ के लोकल लोगों से मैंने जितना पता किया, तो लोकल लोगों ने बताया कि अभी हालांकि डॉग की जो मार्केट है वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में डॉग्स की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। तो गली स्ट्रीट जो है उसके स्ट्रीट के एकदम साइड में ही थोड़ा सा स्पेस लेके कुछ डॉग ओनर्स या फिर डॉग सेलर्स बैठे हुए थे। तो अब आते हैं मेन बात पे। तो जो मैंने चीज़ें देखी वहाँ पे गली स्ट्रीट में, जो कि मुझे देख के काफ़ी निराशा हुई, कि सबसे पहले तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी। कोलकाता का वेदर वैसे ही काफ़ी ह्यूमिडिटी वाला होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, ऊपर से 40-42 के आसपास का टेम्परेचर हो तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैं वहाँ पे कम से कम 2 बोतल पानी लेकर गया था और सब फिनिश हो गया। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी पसीना आ रहा था। और वहाँ पे मैंने जितने भी डॉग्स देखे, जो पपीज थे छोटे छोटे, कुछ की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी थी कि वो केजेस में पड़े पड़े हाँप रहे हैं, बाक कर रहे हैं और एक के ऊपर एक चढ़ के सो रहे हैं। कुछ लोग, कुछ पपीज़ जो थे वो आपस में ही चक्कर काटे जा रहे हैं, जो कि एक तरीके का दिखाता है कि वो काफ़ी टेंशन में है, मतलब वो रिलैक्स नहीं है। डॉग जब रिलैक्स होता है तो वो शांत रहता है। वो एक दूसरे चक्कर काटे जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। और एक बात चीज़ और मैंने नोटिस की कि वहाँ पे उनके आसपास कोई पानी का बोल भी नहीं था। फिर उसके बाद बात करें रैबिट्स की, तो रैबिट्स जो मैंने देखे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डॉग्स तो चलो फिर भी लोग आके उन्हें देख रहे थे, इसलिए उनको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया था। वो इतनी गर्मी लग रही है, उन्हें हाँफे जा रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के सो रहे हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप उन्हें खरीद के घर भी लेके जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो घर ले जाते ही उनकी सडन डेथ हो जाए, वो मर जाए, क्योंकि उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि वो मरने ही वाले हो, बट किसी तरह उनको ज़िंदा रखा गया हो। और वहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के रैबिट्स अवेलेबल थे, जो वाइट रैबिट्स होते हैं, इसके अलावा ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, जो कि इस वक्त आपको वीडियोस में दिख रहे होंगे। सो ये तो बात हुई रैबिट्स की, जिनको काफ़ी बुरी हालत में रखा गया था, लेकिन उनसे भी बुरी हालत में थे बर्ड्स। तो उन बर्ड्स को केजेस में रखा गया था, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था, बिकॉज़ वहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पीने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने अपने बर्ड्स के लिए एक छोटे से बोल में खाने पीने के लिए पानी दे रखा था। और एक चीज़ है जो कि हेंस है वहाँ पे और डक्स है। तो हेंस और डक्स जो है वहाँ पे लोग ऐसे ही सड़क पे लेके बैठे हुए थे, मतलब जो गली स्ट्रीट है उस स्ट्रीट के बीच में ही लोग ऐसे ही छोटे छोटे केजेस में हेंस लेके बैठे हुए हैं, जिनकी काफ़ी बुरी हालत हो रखी है। उनके गर्मी में जो भी फर होते हैं वो उड़ चुके हैं और विंग्स वगैरह भी ढंग से काम नहीं करते। मैंने एक डक देखी थी, जो डक की हालत काफ़ी बुरी हो रखी थी, बट
फिर भी वो बंदा वहाँ पे सेल करने के लिए खड़ा हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग वहाँ पे ऐसे ही थे, बट कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट कर रहे थे। डॉग के बारे में जैसे बताया, डॉग्स के वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो अपने डॉग का, कॉकर स्पैनियल का और गोल्डन रिट्रीवर का और बाकी जो भी लैब्राडोर थे उनका काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। उनको कोम करना, उनको अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ी देर के लिए बाहर खुला छोड़ देना। तो ऐसा नहीं है कि सभी बुरे थे, वहाँ पे काफ़ी लोग अच्छे भी थे। और वहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी कि लोग पिजन काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं, तो पिजन के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, बट वहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के पिजन्स थे। कुछ कुछ पिजन्स तो 5-10 हज़ार के आसपास भी थे, और अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ है पिजन वहाँ पे जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी और नॉर्मली ऐसे देखने को मिलती भी नहीं है। तो वो पिजन जो थे उनको भी लोग ऐसे ही सड़क पे हाथ में पकड़ के, उनके विंग्स को ऐसे पकड़ के खड़े हुए थे, और कुछ लोग ऐसे ही हाथ में उनकी गर्दन पकड़ के लेके चल रहे थे। तो फिर उसके बाद बात करते हैं हम फिशेस की। वहाँ पे काफ़ी सारे फिशेस मिलते हैं और बहुत ही बड़ा फ़िश मार्केट है, और नॉर्मल फ़िश मार्केट के मुकाबले वहाँ पे फ़िश काफ़ी सस्ते मिलते हैं, ये चीज़ मैंने देखी। तो वहाँ पे जब मैंने फ़िशेस देखी तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की फ़िशेस थी, जो छोटी से लेके और इतनी साइज़ की, बड़ी साइज़ की फ़िशेस तक जो कि काफ़ी अवेलेबल थी। बट वहाँ पे मैंने ये देखा कि गर्मी इतनी थी तो वो जो फ़िशेस थी, वो बड़ी बड़ी जो फ़िशेस होती हैं वो कुछ पलट जा रही है, कुछ मर जा रही है। तो फ़िश की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा जो कि मैंने अपने सामने देखा, कि एक बंदा जो फ़िश सेल कर रहा था उसके सामने ही एक टब में इतनी बड़ी सी गोल्ड फिश थी, तो वो गोल्ड फिश उलट गई थी, मतलब पलट गई थी, शायद गर्मी की वजह से उसको ज़्यादा बेटर फील ना हो रहा हो, बट फिर भी वो ज़िंदा थी और मरने की हालत में आ गई थी। बट वो जो बंदा था जिसकी वो फ़िश थी जो सेल करने के लिए बैठा था, उस बंदे ने क्या किया, वो फ़िश को ऐसे टब से उठाया और ऊपर जो शेड्स होते हैं, मतलब प्लास्टिक शीट्स बनी हुई थी, और दूसरे साइड में एक क्या कहते हैं कूड़ादानी था जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो उस बंदे ने उस फिश को ऐसे उठाया, वो क्या कहते हैं शटर के शेड के ऊपर से हाथ उठाया और फिर हाथ उठा के ऐसे फिश को फेंक दिया कूड़ेदानी में। और जिस तरीके से उसने उठा के फेंका, मुझे लगा नहीं था कि उसमें कोई फीलिंग्स होगी उस बंदे में फिशेस को लेके। वो उसके पास काफ़ी सारे फिशेस थे, उसने उस फिश को उठा के फेंका, फिर उसके बाद दोबारा उसने उसमें अलग टाइप की फ़िश डाल दी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गर्मियों में फ़िशेस सेल नहीं करने चाहिए, बट अगर वो इतनी गर्मी में फ़िशेस जो है वो सेल कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि उन फ़िशेस को किस तरीके से मेंटेन करके रखा जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने देखी गली स्ट्रीट में, जो कि मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगी। हाँ, गली स्ट्रीट की कुछ अच्छी बातें भी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स भी अवेलेबल थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़िशेस भी अवेलेबल थे, बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे वहाँ पे। बट क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो एज ए एनिमल लवर हमारी आंखों में पड़ती है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वहाँ पे डक्स जो थे उनको भी छोटे छोटे केजेस में बंद करके रखा गया था, उनकी हिलने तक की जगह नहीं थी। सो ये चीज़ें देख के काफ़ी बुरा लगता है। वहाँ पे छोटे छोटे चूहे भी थे और बंद पिंजरों में थे तो वो काफ़ी हाँफे जा रहे थे, उनकी हालत भी काफ़ी बुरी थी। तो ये चीज़ें देख के काफ़ी बुरा लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपने कभी गली स्ट्रीट विज़िट किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करके बताएं हमें कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और ये वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो और ऐसे डॉग से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पर। थैंक यू।